तो बच्चों जैसे एक फंक्शन ए को लेके जाता है बी पे, वैसे ही जो उसका इनवर्स है वो बिल्कुल उल्टा करता है, मींस बी को लेके जाएगा ए पे। एंड इनफैक्ट एक फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। हमें एक फंक्शन गिवन है और हम उसका इनवर्स निकालना चाहते हैं। अब जैसा कि हमने अभी भी पढ़ा था कि एक फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो वन वन हो एज वेल एज ऑन टू हो। इसका मतलब सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन हमारे पास गिवन है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x-3, ये वन वन और ऑन टू है या नहीं। तो वन वन चेक करें सबसे पहले, याद है डेफिनेशन वन वन की, कहां से स्टार्ट करते हैं हम, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। यहां से चल के और अगर मैं प्रूव कर दूं कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो वी आर थ्रू। प्रूव करते हैं, एफ ऑफ एक्स वन, अगर आप ध्यान दें एफ फंक्शन में एक्स की जगह रखना है एक्स वन, तो यहां भी एक्स की जगह एक्स वन रखा दे, क्या बना 4x-3 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू 4x-3। इसका मतलब ये इसके बराबर आया, तो यहां पे दिख रहा है -3 से -3 कैंसिल, विच मीन्स 4x1 इज इक्वल टू 4x2। और अगर आप यहां से देखें तो 4 से 4 भी कैंसिल हो रहे हैं, विच इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। सो यहां से हमने प्रूव कर दिया दैट द फंक्शन एफ इज वन वन। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलें, मतलब ऑन टू। अब ऑन टू प्रूव करने के लिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, वन इज द डेफिनेशन एंड अनदर इज रेंज इक्वल टू कोड में। कौन सा मेथड लगाएं, जो मर्जी लगा लो, वैसे रेंज इज इक्वल टू कोड में वाला आसान होता है, तो हम उस वो ही वाला मेथड लगा लेते हैं। अब देखो रेंज निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप, इसको हमने लिखा वाई इज इक्वल टू 4x-3। रेंज का क्या मतलब बताया था मैंने कि x के कॉरेस्पॉन्डिंग y कौन कौन सी वैल्यूज ले रहे, तो मतलब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा x कौन कौन सी वैल्यूज ले रहे। और अगर आप ध्यान दें x का मतलब इनपुट, और इनपुट कहां से आती है, डोमेन से। तो ध्यान से देखो क्योंकि इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, इसका मतलब हम कह सकते हैं x टेक्स ऑल वैल्यूज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब हमने पहुंचना है y पे, तो क्या करें, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस इंफिनिटी की सेहत पे कोई नहीं फर्क पड़ा, इज लेस देन 4x इज लेस देन ये भी एज इट इज इंफिनिटी ही रहा। फिर हमें चाहिए -3, तो -3 कर देते हैं, माइनस इंफिनिटी में -3 किया तो क्या बना, माइनस इंफिनिटी एज इट इज लेस देन 4x-3 इज लेस देन, यहां भी -3 किया तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये आ गया मेरे पास माइनस इंफिनिटी इज लेस देन वाई इज लेस देन इंफिनिटी। सो इट मीन्स वॉट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज ओपन इंटरवल -∞ टू इंफिनिटी, विच इज नथिंग बट इक्वल टू कोडोमेन। इसका मतलब अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, दैट एफ इज ऑन टू। अब इसका मतलब फंक्शन वन वन भी है एंड ऑन टू भी है, सो दिस डेफिनेटली इंप्लाइज दैट एफ इज बाइजेक्टिव। कैन आई से दिस थिंग, सो मतलब हमारा 50% क्वेश्चन प्रूव हो गया। बट ध्यान से अभी खुश नहीं होना, एक्चुअली तो हमने इनवर्स निकालना था। अब इनवर्स कैसे ढूंढें, अगर आप ध्यान से देखो किसी भी फंक्शन का जब हम इनवर्स निकालते हैं तो हमने अभी भी समझा था कि होता क्या है, कि अगर फंक्शन में ए जा रहा है बी पे तो इनवर्स में क्या होगा, बी जाएगा ए पे। तो इसका मतलब अगर ये फंक्शन है और अगर मैं इसको नाम लिख दूं y, तो यहां से इनवर्स निकालने का मतलब हमने क्या ढूंढना है भाई, हमें गिवन है कि जब फंक्शन में हमने इनपुट रखी x तो आउटपुट क्या आई, y, दैट इज 4x-3। तो इनवर्स का मतलब हमने उल्टा निकालना है, मतलब यहां पे y लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ x, उल्टे का मतलब अब हमने x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। निकाल लेते हैं यहां से, क्या आया भाई, 3 की साइड चेंज करी तो y+3 इज इक्वल टू 4x, मींस x आ गया यहां से, अगर आप ध्यान दें y+3 अपॉन 4।
तो क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ y आ चुका है तो मींस ये आ गया मेरे पास इस फंक्शन का इनवर्स। सो यहां से अगर हम लिखें f इनवर्स ऑफ y, क्योंकि ये फंक्शन y में है तो इसलिए हम लिखेंगे f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 3 ओवर 4, तो ये बना इसका इनवर्स। अब ऑफ कोर्स क्योंकि ये जो y है ये तो एक डमी वेरिएबल होता है, मतलब चाहे इसका नाम हम y लिख दें, चाहे x लिख दें, चाहे t लिख दें, चाहे s लिख दें, इट हार्डली मैटर्स, आपका जो मन करे आप वो नाम लिख सकते हो इसको। तो मतलब अगर यहां पे हमने इनवर्स लिखना है तो ये लिखने की बजाय हम ये भी लिख सकते हैं दैट f इनवर्स x इज इक्वल टू, अब क्योंकि y की जगह x लिखा है तो क्या आएगा, x प्लस 3 ओवर 4, तो ये आ गया मेरे पास इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन।